चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा। वही खुद मेरे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर हैं और पिछले दिनों जो कुछ हुआ हमने देखा असम के अंदर न्याय यात्रा के दौरान। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतनी घबराई हुई क्यों है बीजेपी सरकार असम? देखिए, जब सच्चाई प्रकाशित होता है, जब चोरी करते हुए चोर पकड़ा जाता है, तो घबराहट तो वाजिब है। और ये जो चोरी, हम पहले असम के लोग अच्छी तरह जानते थे कि किस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री विभिन्न सिंडिकेट के द्वारा असम के धन को आम आदमी से ले रहे थे। पर आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जो राष्ट्रीय मीडिया आ गई, आज ये पूरी सच्चाई राहुल गांधी जी के मन से जब निकलती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, फैली जाती है। तो ये जो सच्चाई अब फैल गई, जो रोशनी राहुल गांधी जी ने असम के मुख्यमंत्री की चोरी पर जो प्रकाशित की, मुझे लगता है उससे वो घबराहट हुई। और शायद एक और कारण है कि वो एक भ्रम में है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कमज़ोर है। लेकिन जब हमने पहले ही दिन में जोरहाट में, जब हमने वो अपने होगा कि राहुल गांधी जी बस पे चढ़े थे और जोरहाट शाम में वहाँ पे बहुत से लोग भीड़ वहाँ पे तादाद हो गए थे, प्रस्तुत थे, तो मुझे लगता है उस भीड़ को देख के भी वो घबरा से गए, क्योंकि उनको अंदाज़ा आ गया कि नहीं, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं, इस यात्रा से और शक्तिशाली हो चुकी। 22 तारीख की मैं बात करूं, राहुल गांधी को एक मंदिर नहीं जाने दिया गया, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से वो मंदिर पूजा पाठ करने जाना चाहते थे, आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ बातचीत वहां पर हुई, क्या था वो पूरा माहौल? देखिए, सचमुच बहुत एक दुख का माहौल था, क्योंकि हम सभी एक श्रद्धा के भावना से अयोध्या गए हैं बहुत लोग, और उसी श्रद्धा के भावना से राहुल गांधी जी, क्योंकि वो असम में थे, तो वो एक पवित्र स्थान में जाना चाहते थे। और उस पवित्र स्थान से 20 किलोमीटर दूर राहुल गांधी जी को नौगांव शहर में बंद करके रखा, बैरिकेड लगा दी। और बहुत अजीब से गरीब से कारण उनको बताए गए थे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे कि मैं यहाँ पे शांति के एक यात्रा लेके आया हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो मैं अकेले जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, असम पुलिस रहेगी, असम पुलिस का काबिल है कि लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण कर सके, लेकिन वो भी नहीं करने दिया। तो मैं तो वहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, ये पाबंदी सिर्फ राहुल गांधी जी पर है या मेरे पर भी है? तो प्रशासन ने कहा कि नहीं सर, आप जा सकते, राहुल गांधी नहीं जा सकते। तो ये जो दोहरी नीति साफ हो गई, और मैंने अपनी आँखों से देखा कि वहाँ पे कानूनी व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, ऐसा कोई अशांति का वातावरण नहीं, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसके कारण राहुल गांधी जी को कोई मुश्किल हो सकती थी, या राहुल गांधी जी के जाने से किसी और को मुश्किल हो सकता था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक छोटी सोच, एक छोटी मानसिकता से आज हम टीवी में हमने देखा कि अयोध्या में बहुत लोग आए, प्रार्थना की, लेकिन असम में हमने अपनी प्रार्थना एक पवित्र स्थान के अंदर नहीं, सड़क पे ही हमने प्रार्थना करने की हमें ज़रूरत पड़ी। मंदिर की बात हो रही है, जय श्री राम, हमने देखा जो कई पहले गुजरते हुए जय श्री राम कहकर हमला हुआ, न्याय यात्रा के काफिलों पर भी हमला हुआ। नहीं मीनाक्षी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब भी हम भगवान को याद करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमारी वाणी में मिठास होती है, हमारी वाणी में सम्मान होता है, और भगवान के सामने हम अपने आप को बहुत छोटा रखते हैं। लेकिन जब राजनीतिक दल उस भगवान को लेकर जब नाम लेते हैं, और जैसे कि आपने कहा, उनके आवाज़ में एक अहंकार, उनके आवाज़ में एक गुस्सा, तो कहीं ना कहीं हम भगवान से दूर जा रहे हैं। क्योंकि अगर जब भी हमको भगवान को याद करना होता है, तो श्रद्धा, सद्भावना और खुद के अंदर जो हमारे पाप है, अगर अहंकार है, क्रोध है, उसको ख़त्म करना, और ये तो जो राजनीतिक दल कुछ करते हैं, भाजपा करती है, वो तो सिर्फ उल्टा है, वो तो भगवान का नाम लेते हुए अपने अंदर के क्रोध को और अपने अंदर के अहंकार को और उजागर करते हैं। तो इसी को मुझे लगता है कि बार बार हमारे दल के नेतागण, विभिन्न हमारे और समाज भी समझती है कि धर्म का, जब हम धर्म को राजनीतिक मंच में जब ले आते हैं, धर्म को लेकर जब एक राजनीतिक, भगवान को अब एक हम एक राजनीतिक स्लोगन बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भगवान के साथ भी हम वफादारी नहीं कर रहे।
भ्रष्टाचारी कहा था, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था राहुल गांधी ने, आपको लगता है कि दुखती रग पर हाथ रख दिया राहुल गांधी ने और सीधा निशाने पर तीर लगी? बेशक, क्योंकि राहुल गांधी की ये खूबियत है कि वो स्ट्रेट एकदम स्पष्ट होकर जो एकदम अर्जुन की तरह एकदम निशाने पे बात करते हैं और डट के अपनी बात रखते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। तो जब वो बात उन्होंने कही, ये बात असम के हर नुक्के में, हर गांव में, हर मोहल्ले में सबको पता है, लेकिन ये बात कहने से लोग डरते थे। जैसे कि वो एक हैरी पॉटर की मूवी है जिसमें जब दुश्मन का नाम लेते तो लोग डरते थे, तो इसी में भी लोग असम में एक डर का एक वातावरण है जिसमें ऐसे कुछ सच्चाई कहने से लोग डरते थे। पर जब राहुल गांधी जी ने वो बात कह दी तो आप समझो कि वो अंदर का लोगों के बीच में जो एक डर था, खौफ था, वो मिट गया और सभी ने उसको स्वागत किया। और जहाँ भी राहुल गांधी जी जाते थे सभी लोग उनका ये स्वागत करते थे, सहमत थे। अगर ये बात गलत होती, अगर ये बात झूठी होती तो असम के लोग इस बात का समर्थन नहीं करते। पर अब जब राहुल गांधी जी स्वयं सभा में पूछते हैं कि देश का सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कौन, तो जनता से ही आवाज आता है असम की। आज ये देखा भी गया सभाओं में भी। एक और सवाल मेरा आपसे, गुवाहाटी जाने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई, साम दाम दंड भेद यहाँ पे इस्तेमाल किया हेमंत बिस्व शर्मा ने, क्या लगता है आपको गुवाहाटी जाने से इतना क्यों खौफ, इतना क्यों डर था उन्हें? देखिए, मुझे समझ नहीं आते मीनाक्षी जी, क्योंकि देखिए राजनीतिक दल है, हमारा विरोध करना है तो राजनीतिक रूप से करिए। जैसे कि राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा कि अगर रास्ते के किनारे कुछ भाजपा के लोग हैं, राजनीतिक नारा लगा रहे हैं, वो उनकी स्वतंत्रता है, ये हमारी लोकतंत्र की शक्ति है और ये हमारे दल में हमारी आत्मविश्वास है कि अगर रास्ते के किनारे कोई लोग धरना कर रहे हैं या राजनीतिक नारे लगा रहे हैं तो हमें उससे कोई विरोध नहीं। वैसे ही गुवाहाटी महानगर सबका है। अगर गुवाहाटी महानगर में कोई भाजपा का नेता जैसे कि JP नड्डा जी खुद स्वयं गए, अगर वो जाना चाहते हैं तो हम उसमें आपत्ति नहीं जताते, हम नहीं कहते कि उनको मत जाने दो। और वैसे ही हम अपेक्षा करते हैं कि जब हम जाना चाहेंगे हमें भी जाना दिया जाए। लेकिन ये बार बार ये एक दोहरी नीति चल रही है। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में आपने देखा, USTA में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर सारे राजनीतिक दल के नेतागण वहाँ पर जा सकते हैं, छात्र समाज उस राजनीतिक दल के राजनीतिक विचारधारा से वो उसमें सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, वो उनकी वो स्वतंत्रता है। लेकिन राहुल गांधी जी को यूनिवर्सिटी से जाना रोक दिया, राहुल गांधी जी को पवित्र स्थान बोर्डोवा में जाने से रोक दिया, राहुल गांधी जी को गुवाहाटी अंदर जाने से रोक दिया। इन सब के पीछे अगर मैं देखूं कि जो होता है अच्छा ही होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया हमारे कांग्रेस के गतिविधियों को छुपाती रहती है। इस प्रकार की गतिविधियों से ये पूरा एक यात्रा जो सिर्फ असम के अंदर सीमित था, इस प्रकार के व्यवहार से, असम सरकार से व्यवहार से ऐसी पब्लिसिटी मिली कि जो लोग अखबार भी नहीं पढ़ते उनको भी पता है कि गुवाहाटी में नाइंसाफी कांग्रेस पार्टी के साथ हुई। एक आखिरी सवाल, इस पूरे घटना में कई लोगों के खिलाफ, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के खिलाफ FIR हुआ, आपके खिलाफ भी FIR हुआ, इसमें जवाब क्या है आपका? देखिए, राजनीतिक यात्रा में FIR होता है क्योंकि जो भी सत्ताधारी दल है वो नहीं चाहती कि विपक्षी शक्ति मजबूत हो, खास करके ये जो ताकत आज वर्तमान में हम केंद्र या राज्य में देखते हैं। आज की जो भाजपा की जो ताकत है वो स्वतंत्र तो सोच को दबाना चाहती है। अगर आपके मन में सवाल हो तो वो सवाल उजागर करने का अधिकार आपसे छीनना चाहती है। तो ऐसे ही व्यवहार में, माहौल में हम पर FIR लगाना स्वाभाविक है, पर इससे हम डरते नहीं। और जब हम डरते नहीं, जब हम निडर रहते हैं तो लोगों को भी हौसला मिलता है, लोगों को भी साहस मिलता है कि वो भी भाजपा या किसी भी सरकार के अत्याचार में बुलंद होकर अपने अधिकार के लिए, संविधान में जो लिखे हुए अधिकार है वो उसमें अपना हक लोगों को मांगने की ताकत मिलती है। और मुझे लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि लोगों को अपने अधिकार लड़ने के लिए लड़ने के लिए एक ताकत, एक हौसला मिला है, दोबारा उनको अपनी अधिकारों का उनकी पहचान हुई है और लोगों में एक शक्ति गई है। तो ये यात्रा मीनाक्षी असम से तो चली जाएगी, लेकिन एक जो सुनहरा तोहफा हमको दिया है, लोकतंत्र की शक्ति का जो तोहफा दिया है, ये तोहफा हमेशा सदैव हमारे बीच में रहेगा।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे। कहावत है कि लाख पहरे लगा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं जनता से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। और जो बात कही गौरव गोगोई ने या आज मंच से राहुल गांधी ने, इसे एक साफ संदेश असम की जनता, देश की जनता और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार उनके लोगों के बीच चला गया होगा कि चाहे आप लाख पहरे लगा लीजिए लेकिन जनता के बीच जाके जनता के हक के मुद्दे उठाते रहेंगे। जो अन्याय पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है उसके खिलाफ बुलंद आवाज में, एक सुर में सड़कों से आवाज उठाती जाए रहेगी।